बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद हसीना। तो कैसे हैं आप सब, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला आप सब की जायज़ मुराद को पूरी करे, आमीन सुम्मा आमीन। तो जैसे कि देख सकते हैं आप, समोसे की रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। अगर आप भी मेरे टिप्स और ट्रिक्स को फॉलो करेंगे तो आपके भी समोसे एकदम खस्ता, और ये देख सकते हैं बिल्कुल भी इसमें बबल्स नहीं है, बिल्कुल बाजार जैसा बनकर तैयार है। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। तो यहाँ पर मैंने लिया है आधा किलो मैदा, इसमें हम नमक डालेंगे, स्वादानुसार नमक डालना है, और एक बड़ा चम्मच हमें इसमें अजवाइन डालना है। इस तरह से हम क्रश करके डालेंगे। अजवाइन की मात्रा आप थोड़ी सी बढ़ा सकते हैं। अब हम इसमें दो चम्मच ऑयल डालेंगे। शुरू में हमें दो चम्मच ऑयल डालना है, सादा ऑयल है जो हम नॉर्मल यूज़ करते हैं, बस उसी ऑयल का इस्तेमाल किया है मैंने। इसके बदले आप चाहे तो वनस्पति घी थोड़ा सा गर्म करके, हल्का सा गर्म करना है, और इसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से हम धीरे धीरे मिलाएंगे, और मिलाने के बाद हम इस तरह से मुट्ठी बांधकर देखेंगे कि ये बनकर तैयार है या नहीं। तो इस तरह से अगर आप समोसा बनाते हैं, इस तरह से आप समोसे का आटा तैयार करते हैं, तो आपका भी समोसा एकदम बाजार जैसा बनकर रेडी होगा। तो यहाँ पर मैंने एक चम्मच ऑयल और ऐड कर लिया है। इसे धीरे धीरे मिलाते हुए जाएंगे और हम देखेंगे आगे चल के कि हमें कितना ऑयल ऐड करना है। इस तरह से मुट्ठी बनाकर देखेंगे, अगर ये मुट्ठी में नहीं जम रहा है तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी परफेक्ट रेडी नहीं है। तो फिर से हमने दो चम्मच ऑयल का इस्तेमाल किया है। तो जो दो चम्मच ऑयल डालने के बाद हमने इसे फिर से इस तरह से मिला लेना है, सारे आटे में मिल जाना चाहिए। इसके बाद हम फिर से चेक करेंगे, और इस तरह से आटा गूंदने से हमारा जो समोसा की जो ऊपर की परत होती है वो बिल्कुल खस्ता बनकर तैयार होता है। तो ये देखिए, ये अब बिल्कुल बनकर तैयार है, इस तरह से होना चाहिए। आप दो से तीन बार इसे चेक कर सकते हैं, और अगर फिर से ऐसा नहीं हो रहा है तो फिर हम थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे, लेकिन इस वक्त ये बिल्कुल परफेक्ट तैयार है। यानी कि मैंने टोटल 5 चम्मच ऑयल का इस्तेमाल इसमें किया है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर एक टाइट सा डो बना लेंगे। हमें जो रोटी हम बनाते हैं गेहूं की, उस तरह से नहीं बनाना है, डो थोड़ा सा टाइट ही रखना है, जिसकी वजह से हमारा जो समोसा है वो खस्ता बनकर तैयार होता है। तो देख सकते हैं इतना टाइट, इतना ही टाइट हमें रखना है। तो चलिए हम इसे फूलने के लिए 10 मिनट के लिए साइड में रख देंगे, जब तक हम आलू की तैयारी, स्टफिंग की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने आलू उबाल लिया है पहले से ही। तो देख सकते हैं आलू उबालने के बाद हमने इसका छिलका भी निकाल लिया है। इसे इस तरह से मैश करके लेना है, और इसे थोड़े थोड़े टुकड़े भी रह जाने चाहिए, तो पूरी तरह से मैश नहीं करना है। तो चलिए सारे आलू को हमने मैश कर लिया है। अब हम चटनी तैयार करके लेंगे। तो चटनी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिया है 7 से 8 हरी मिर्ची। आप मिर्ची की मात्रा कम और ज़्यादा कर सकते हैं। एक से सात से आठ हम लहसुन की कलियाँ लेंगे। 8 से 10 टुकड़े हम अदरक के लेंगे, छोटे छोटे टुकड़े। तो इस तरह से हमें क्रश ग्राइंडर में दरदरा सा पीस लेना है। तो ये इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं जाना चाहिए, इतना ही हम पीसेंगे, बिना पानी डाले हमें पीस लेना है। तो अब हम एक कढ़ाई लेंगे, इसमें 2 चम्मच ऑयल डालेंगे। ऑयल अच्छे से गर्म होने देंगे, हम थोड़ा सा राई डालकर चेक करेंगे कि ऑयल गर्म हुआ है या नहीं, क्योंकि राई अगर तेल में नहीं फूटता है तो इसका जो कड़वापन है वो अच्छा नहीं लगता है, इसका टेस्ट अच्छा नहीं आता है। तो इस तरह से हम चेक करेंगे पहले। तो राई देखिए अच्छे से तड़कने लगा है, इसका मतलब ऑयल हमारा परफेक्ट गर्म है। अब हम इसमें 1 चम्मच जीरा डालेंगे, 1 चम्मच राई और 1 चम्मच जीरा ऐड करेंगे। थोड़ा सा हम इसे फ्राई करके लेंगे। एक मुट्ठी मूंगफली लेंगे, मूंगफली को भी हम हल्के आंच पे फ्राई करके लेंगे। अब कम से कम 2 से 3 सेकंड हमें इसे फ्राई करके लेना है, बिल्कुल भी इसका कलर चेंज नहीं होने देना है। बस अब हम 3 से 4 सेकंड फ्राई करने के बाद हम इसमें कड़ी पत्ते ऐड करेंगे। कड़ी पत्ते ऐड करने के बाद बस 1 से 2 सेकंड के बाद इसमें सारा चटनी ऐड कर देंगे। चटनी ऐड करने के बाद इसे हम थोड़ा 1 से 2 सेकंड के लिए सौटे करके लेंगे। अब हम इसमें थोड़े से मसाले ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 2 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर ऐड किया है, और 1.5 चम्मच धनिया पाउडर, और 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, इसको भी हम इसी मसाले में ऐड कर देंगे। अब हम इसे 2 से 3 सेकंड के लिए फ्राई करेंगे इसी तरह से। अब हमने गैस का फ्लेम को बंद कर देना है। तो यहाँ पर मैंने गैस के फ्लेम को बंद कर दिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे हमारे जो हमने आलू जो उबाल कर रखा हुआ था, इसमें आलू ऐड कर देंगे। आलू ऐड करने के बाद हम इसमें 1/4 टीस्पून हींग डालेंगे, 1 छोटा चम्मच हम इसमें आमचूर पाउडर डालेंगे, और 1 छोटा चम्मच चाट मसाला डालेंगे।
इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और इसे हम अच्छे से मिलाएंगे, कटी हुई हरी धनिया डालेंगे और नमक डालेंगे स्वाद अनुसार। इसे एक बार फिर से हम अच्छे से मिला लेंगे। सारे चीज़ों को अच्छे से मिलाने के बाद तो ये हमारा जो चटपटा मिक्सचर है बिल्कुल बनकर तैयार है। हम इसे टेस्ट करेंगे, अगर ये इसमें कुछ कम ज़्यादा रह जाता है नमक या फिर तीखा वगैरह कुछ कम है तो हम इसे और भी ऐड कर सकते हैं, चाट मसाला ऐड कर सकते हैं, जो भी हमें अपने टेस्ट के हिसाब से हम इसमें और भी मसाले ऐड कर सकते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे डो की तरफ जो हमने रेडी करके रखा हुआ है। तो ये देखें, ये 10 से 15 मिनट हो चुके हैं, अच्छे से ये तैयार हो चुका है। अब हम इसे 3 से 4 मिनट के लिए इस तरह से फिर से मल लेंगे। अच्छे से गूंदने के बाद इसकी मैंने छोटी सी लोई निकाल के हम इसे ओवल शेप में बेल कर लेना है। तो ये देखिए इस तरह से मैंने इसका शेप बना कर लिया है। अब हम बीच में से एकदम सेंटर से कट करेंगे। तो यहाँ पर मैंने जो मेरा जो बोर्ड नहीं है, सिलिकॉन शीट है, तो मैंने धीरे से इसे कट करके निकाल लिया है। अब हम इसे साइड करते जाएंगे, ऐसे ही पट्टी हम रेडी करके रखेंगे। अब हम इसे इसकी स्टफिंग करके मैं आपको बताती हूँ। तो इस एक साइड हम पानी लगा कर लेंगे जहाँ से हमने कट करके लिया था, तो उल्टे साइड हम कर लेंगे और इस तरह से हमें चिपका लेना है और अच्छे से चिपकाना है। जब हम तेल में डालेंगे तो ये खुलनी नहीं चाहिए, ऐसे हमें चिपका कर ले लेना है। तो जो हमने स्टफिंग रेडी किया था इसे हम इसमें भर लेंगे। और ये देखिए इस तरह से जैसे समोसे वाले भर करते हैं, बस उसी तरह से हमें इस तरह से फोल्ड करके ले लेना है और इसे इस तरह से ऐसे बिठा लेना है। तो ये बिल्कुल परफेक्ट शेप समोसे का बनकर तैयार होता है, आप देख सकते हैं। तो चलिए इसी तरह से हम सारा तैयार करके ले लेंगे। तो जब तक मैं समोसा रेडी करती हूँ तो आपसे गुजारिश है कि प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में, और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। आपके लाइक करने से, सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेट होता है और यूट्यूब जो है हमारे चैनल को और भी ग्रो करने में हमारी मदद करता है। तो देख सकते हैं अब इस तरह से मैंने समोसा बनाकर रेडी कर लिया है। अब चलिए समोसा फ्राई करके लेते हैं। समोसा फ्राई करने के वक्त हमें इस चीज़ का ख्याल रखना है, सबसे ज़रूरी टिप्स यही है कि हम जब भी समोसा फ्राई करेंगे तो इसमें जो ऑयल है बिल्कुल भी गर्म नहीं होना चाहिए, यानी कि मीडियम भी नहीं, मीडियम से कम गर्म होना चाहिए, जिससे हमारा जो समोसे में है वो बबल्स नहीं आते हैं। तो जैसे हम पूरी तलते हैं, ठंडे ऑयल में हम पूरी डाल देते हैं तो वो नहीं फूलती है, और गर्म ऑयल में डालते हैं तो फूल जाती है। तो इसी टिप्स का हमें ख्याल रखना है कि हमें थोड़ा सा गर्म और थोड़ा ठंडा, यानी कि मीडियम से भी थोड़े कम ही गर्म में हम इसे फ्राई करके लेंगे, जिससे बिल्कुल भी बबल्स नहीं आएंगे। आप देख सकते हैं ये समोसे में बिल्कुल भी बबल्स नहीं आए। और 3 से 4 मिनट के लिए हमें और आँच को धीमी रखना है, उसके बाद में हम फ्लेम को बढ़ा सकते हैं। जैसे इसमें कलर चेंज होने लगे तो हम फ्लेम को बढ़ा देंगे और इस तरह से गोल्डन ब्राउन होने के बाद हम इसे निकालेंगे। तो देख सकते हैं बिल्कुल भी बबल्स नहीं है इसमें और ये बहुत ही खस्ता बनकर रेडी है। तो आप सुन सकते हैं इसकी आवाज़, बिल्कुल खस्ता और क्रिस्पी समोसा बनकर तैयार है। तो सेकेंड बैच में भी हम क्या करेंगे, फ्लेम को बंद कर देंगे और थोड़ा सा हम ठंडा करके लेंगे ऑयल को, उसके बाद में हम सेकेंड बैच रेडी करेंगे। तो लीजिए बनकर तैयार है, बिल्कुल आसान तरीके से और सिंपल और चटपटी समोसे की रेसिपी। कैसी लगी आपको, आपसे गुजारिश है कि मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ ही में बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि मेरे आने वाले वीडियो की हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचती रहे। तो चलिए इंशाल्लाह मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मुझे दुआ में ज़रूर याद रखिए।